वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लगन एंड फिटनेस स्कूल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सारे अच्छे होंगे। आज है हमारी डाइट प्लान एंड वर्कआउट का 21st डे। फ्रेंड्स, आपने 10 और 15 डेज के बीच में अपना मेजरमेंट करते रहना है, अपना वेट चेक करते रहना है। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। आपने घर का खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, आपने सब कुछ खाना है, बट आप अपने पोर्शन को कंट्रोल में रखेंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया है, आपने सारी चीजों को फॉलो करना है। फ्रेंड, चलते हैं, देखते हैं आज के डाइट प्लान में, आज के वर्कआउट में हम क्या करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सुबह की शुरुआत करनी है आपने गुनगुने वाटर से। आपने 2 गिलास पानी कम से कम पीना है। सबसे पहले आपने पानी को गर्म करना है और उसको सिप सिप करके पी लेना है। उसके हाफ एन आवर के बाद जो आपने रात को चिया सीड को भिगो के रखा होता है उनको आपने पी लेना है। इस मॉर्निंग में आज मैं बना रही हूँ पनीर परांठा। सो पनीर में प्रोटीन होता है एंड हमारी वेट लूज करने के लिए बहुत अच्छा होता है। सो आपने कभी कभी ऐसी चीज़ें ज़रूर लेनी है जिनमें गुड फैट होता है। सो हमें बिल्कुल ही चीज़ों को नहीं छोड़ देना है। आपने एक परांठा लेना है, आप दूध के साथ ले सकते हैं या आप दही के साथ ले सकते हैं, बट आपका दूध जो होना चाहिए वो विदाउट क्रीम होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपका जो भी मील है आपने उसको बिल्कुल स्लो स्लो च्यूइंग करके खाना है जिससे वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। टाइम हो चुका है 1:30 एंड ये है सैलेड टाइम। आपने जब भी लंच करना है उससे हाफ एन आवर पहले ऐसे सैलेड ले लेना है जिसमें बहुत सारा प्लेट भर के लेना है, जिससे आपकी जो भूख की एक्स्ट्रा क्रेविंग है वो ख़त्म हो जाएगी, आप एक्स्ट्रा खाना नहीं खाएंगे। फ्रेंड्स, आज मैंने मिक्स वेज बनाई है जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा पनीर ऐड किया है। सो पनीर आपने अपनी डाइट में ज़रूर रखना है। अगर आप एग या आप चिकन नहीं खाते हैं तो आपने प्रोटीन ज़रूर अपनी डाइट में ऐड रखना है। साथ में मैंने दही ले रखा है, 1 चपाती ले रखी है। सो दही ऑप्शनल है आजकल के सीज़न के लिए, लेकिन मुझे सूट करता है सो मैं ले लेती हूँ।
एक्सरसाइज डन होने के बाद आपने हमेशा अच्छे से अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, अपनी फुल बॉडी को आपने अच्छे से रिलैक्स करना है। आपने अपने टोज पे खड़े हो जाना है एंड अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, ऊपर की तरफ पुश करना है एंड अपनी बैली को अंदर की तरफ स्क्वीज कर लेना है। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, आपने सेम उसी तरह से फॉलो करना है। अच्छे से अपनी मसल्स को आपने रिलैक्स करना है। इवनिंग में चाय की क्रेविंग होती है उस टाइम आपने नट्स लेने हैं। नट्स में आपने मल्टी नट्स लेने हैं या फिर आप बादाम ले सकते हैं, बट मखाने आपने अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करने हैं क्योंकि मखाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो और नट्स में नहीं होती हैं। सो फ्रेंड्स, रात को डिनर के लिए आज मैंने बनाना है ये मिक्स वेज का सूप। आपके पास जो भी सब्जियां अवेलेबल हों आपने इस तरह से कट कर लेना है। मैंने पनीर भी ले रखा है। सो प्रोटीन इनरिच मेरा ये डिनर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि हमने अपने जो प्रोटीन की वैल्यू है उसको बढ़ा दिया है। 15 डेज़ के बाद आपने इस तरह से अपने प्रोटीन की वैल्यू को पूरा करना है, क्योंकि जो भी नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन या एग नहीं खाते हैं, तो उनको अपनी प्रोटीन का इनटेक का ध्यान रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, या तो आप ले सकते हैं भुने चने या फिर आप मखाने ले सकते हैं, आप ले सकते हैं जो दाल के स्प्राउट्स होते हैं ग्रीन दाल के, एंड फ्रेंड्स आपने चने ज़रूर लेने हैं ब्लैक चने। फ्रेंड्स, ब्लैक चने के आप स्प्राउट्स बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है उनमें एंड बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने आज ये जब सूप बनाना है तो हम अदरक लहसुन को इस तरह से अच्छे से भून लेंगे एंड उसके बाद हम वेजीज को इसके अंदर डाल देंगे। एंड फ्रेंड्स, जो हमारे ओट्स हैं उनको हमने थोड़ी देर के लिए भिगो रखा है। जैसे ही सब्जियां थोड़ी रोस्ट हो जाएंगी आपने पानी ऐड कर देना है एंड साथ में आपने हल्दी, नमक, मिर्च जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। फ्रेंड्स, कम से कम आपने 15 मिनट तक इसको अच्छे से पकने देना है एंड जैसे ही अच्छे से सब्जियां पक जाएंगी आपने ऐड कर देना है ओट्स को। तो ओट्स को ऐड करने के बाद आपने 5 मिनट तक स्लो गैस पे इसको पकाना है एंड उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा सूप कितना अच्छा बनके रेडी हो चुका है। इस तरह से आप अगर सारी सब्जियों को एंड इस तरह से ओट्स को डाल के सूप बनाएंगे तो टेस्टी भी होगा एंड फ्रेंड्स साथ में बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, आपको बहुत अच्छा वेट लॉस देगा। सो आपने ये सूप जरूर ट्राई करना है। अगर आप 10 दिन तक इस सूप को डेली पीते हैं तो आपको उससे आप ऐड कर देंगे इस पे हरा धनिया। अगर आप नींबू स्क्वीज करना चाहते हैं तो थोड़ा ठंडा होने। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लग रही है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड फ्रेंड्स अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। साथ में बेल आइकन है इसको प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। डिनर के बाद हाफ एन आवर के बाद आप लेंगे ग्रीन टी। ग्रीन टी आपने ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करनी है एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट डे के लिए जो भी चिया सीड्स हैं उनको आपने भिगो के रख देना है। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल लव लता एंड फिटनेस स्कूल। थैंक्स अ लॉट।